जब एक क्वेश्चन है एक्स रहित पद हो तो उसका कैसे सॉल्यूशन किया जाता है, तो अपन मान ले जैसे डी वाई इजिकल टू पी, तो डी टू वाई इजिकल टू डी पी वाई डी वाई इंटू डी वाई, यानी पी डी पी वाई डी वाई। इस पे आधारित अपने इक्वेशन देखते हैं, जैसे क्वेश्चन है y इंटू वन माइनस लॉग y डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस लॉग y डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये क्वेश्चन है एक्स रही, अपने को इसको करना है, तो अपन मान लिए माना डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी डी पी बाई डी वाई। ये मान अपन समीकरण एक में रखें, एक और दो से, तो ये हो गया y इंटू वन माइनस लॉग y p dp by dy प्लस वन प्लस लॉग y p स्क्वायर इजिकल टू जीरो। और ये हो गया dp by p इज इक्वल टू माइनस वन प्लस लॉग वाई अपॉन वाई इंटू वन माइनस लॉग वाई डी वाई। इसमें अपन लॉग वाई इज इक्वल टू टी माने, लॉग वाई इज इक्वल टू टी, तो वन अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू डी टी। तो ये हो गया साहब डी पी बाई पी इज इक्वल टू माइनस वन प्लस टी अपॉन वन माइनस टी डी टी। और ये हो गया वन प्लस टू अपॉन वन माइनस टी डी टी। इसका अपन समाकलन करें तो ये हो गया साहब लॉग पी इज इक्वल टू टी प्लस टू लॉग टी माइनस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी वन। और ये हो गया साहब टी प्लस लॉग टी माइनस वन का स्क्वायर प्लस सी वन लॉग पी। लॉग पी इज इक्वल टू डी पी बाई डी वाई बाई डी एक्स। इसको लॉग सी मान लीजिए,
तो ये हो गया साम लॉग पी अपॉन सी वन टी माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू टी, और ये हो गया साम पी इज इक्वल टू सी वन एक्सपोनेंशियल टी टी माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। t इज इक्वल टू log y, dy by dx इज इक्वल टू c1 एक्सपोनेंशियल log y into log y minus 1 का स्क्वायर, और ये हो गया साहब समाकलन करें तो एक्सपोनेंशियल माइनस log y अपॉन log y माइनस वन का स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू सी वन डी एक्स। और ये हो गया साहब माइनस वन लॉग वाई वन अपॉन वाई लॉग वाई माइनस वन डी वाई इज इक्वल टू सी वन डी एक्स। फिर समाकलन करें तो ये हो गया लॉग वाई माइनस वन का स्क्वायर के पावर माइनस वन इज इक्वल टू सी वन एक्स प्लस सी टू, यानी x रहित बना के अपन ने दी गई अवकलन समीकरण को हल किया। धन्यवाद।